हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ प्राची कौशिक। हमने अपने लास्ट लेक्चर में अपना सेकंड जो चैप्टर था हमने वो फिनिश किया था। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम पहले मेल रिप्रोडक्शन देखते हैं। मेल रिप्रोडक्शंस, इसमें हमारा क्या होता है कि इट कंसिस्ट या इट परफॉर्म आर टू मेजर फंक्शंस। ये हमारे टू मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। कौन कौन से मेजर फंक्शन होते हैं इसमें? फर्स्ट तो हमारा इसमें होता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, एंड सेकेंड वन होता है इसमें हमारा गैमेट ट्रांसफर। अब आप कहोगे ये चीज़ तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हमने ये कहाँ पे पढ़ा था? जब हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था तो हमने उसमें प्री फर्टिलाइजेशन से पहले की कंडीशन देखी थी, जिसमें हमारे दो स्टेप फॉलो हो रहे थे। फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज हमारा गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। अब हमें जो गैमेटोजेनेसिस पढ़नी है, इसका मतलब हमने तब भी सीखा था और आज भी हम वही इसमें सीखने वाले हैं, क्या कि फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। अब हम यहाँ पे कौन सा गैमेट पढ़ने वाले हैं? एज अ मेल गैमेट। तो जो फॉर्मेशन होगा मेल गैमेट का, मेल गैमेट क्या होता है? एज अ स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म। तो स्पर्म किस तरीके से बनते हैं वो हम किस में पढ़ने वाले हैं? अपना गैमेटोजेनेसिस में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। जब हम यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की जगह क्या पढ़ेंगे? ओजेनेसिस, क्लियर। अब गैमेट ट्रांसफर क्या होगा? जब फॉर्मेशन हो जाएगा मेल गैमेट का, और हमें ये पता है जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है? मोटाइल इन नेचर में होता है, ठीक है, जो इजीली से मूव कर जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे। तो अभी क्या करेगा? मूव कर जाएगा कहाँ पे? फीमेल वाले रीजन में, ठीक है। तो अभी हम ये पढ़ते हैं कि गैमेटोजेनेसिस में कौन कौन सा होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्शन होता है वो अकर्ड होता है इन अ पैल्विक रीजन में। क्या? इट्स अ अकर्ड इन अ पैल्विक रीजन, इट्स अकर्ड्स इन अ पैल्विक रीजन, ठीक है, पैल्विक रीजन में होता है। इट्स हैव अ टाइप ऑफ ऑर्गेन्स, इसमें बहुत टाइप के ऑर्गेन्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेन्स होते हैं पहले देख लेते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, एंड सेकेंड जो होता है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन, क्लियर। एंड थर्ड जो होता है, एक होता है हमारे यहाँ पे एसेसरी, एसेसरी बोलते हैं, या फिर आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, क्लियर। तो ये हमारे यहाँ पे तीन टाइप के इसमें ऑर्गेन है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन में क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन इज अ विच ऑर्गेन्स विच प्रोड्यूस अ गैमेट, जो क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, या क्या करेगा यहाँ पे? विच प्रोड्यूस गैमेट। अगर हम इन मेल की बात करते हैं तो इन मेल में क्या होगा हमारा? मेल में कौन से गैमेट होते हैं हमारे? एज अ टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस हो गया। इसके बाद अगर इन फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में हमारा क्या हो जाएगा? ओवरी। फीमेल क्या होगा हमारा? ओवरी, ठीक है। अब हमें पता है टेस्टिस तो हमारा एक गैमेट हो गया विच प्रोड्यूस अ स्पर्म, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक है, एंड सीक्रेट अ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। स्पर्म टेस्टिस एक गैमेट है विच प्रोड्यूस अ स्पर्म। स्पर्म भी क्या है? एक हमारा, मतलब जो टेस्टिस के थ्रू जो प्रोड्यूस हुआ है। अब यही जो कुछ टेस्टिस होती हैं वो हमारी क्या प्रोड्यूस करती हैं? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, क्लियर। इसके बाद ओवरी आ गया। ओवरी प्रोड्यूस अ गैमेट, मतलब गैमेट कौन सा? ओवरी तो एक गैमेट हो गया। क्या प्रोड्यूस करेगी ये? ओवा और एग। प्रोड्यूस ओवा, और इसको आप यहां पे बोल सकते हो एग, ठीक है। अब ये कौन सा यहां पे हार्मोन प्रोड्यूस करेगी? इसको कॉल्ड एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन। ये हमारे क्या होते हैं? ये हार्मोन है, ठीक है, विच इज़ अ प्रोड्यूस बाय गैमेट, जो गैमेट्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और मेल में कौन सा होता है, फीमेल में कौन सा होता है, और ये कौन से गैमेट्स को, मतलब कौन सा ये सेल प्रोड्यूस करते हैं और कौन से टाइप के क्या हार्मोन रिलीज करते हैं, क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंडरी
सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेन्स क्या होते हैं? जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेन होते हैं ना, वो हमारा डायरेक्टली मतलब एक गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते, बट एक जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है उसमें टेक पार्ट करते हैं, एज अ पैसेज की तरह, एज अ पाथवे की तरह एक्ट करते हैं, और जो भी हमारा मतलब सब्सटेंस होता है उसको वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रांसलोकेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उसमें एक्ट एज अ पाथवे, ये पाथवे की तरह एक्ट करते हैं एंड ट्रांसफर करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप कैसे बोल सकते हैं इसमें यहाँ पे कि जैसे हमारा अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में हमारा यहाँ पे हो गया एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, इन मेल में क्या हो गया हमारे यहाँ पे एपिडिडिमिस, ठीक है, वास डिफरेंस, वास इफरेंस, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ग्लैंड्स भी हमारे उसमें हो जाएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो जाएंगे, सेमाइनल ग्लैंड्स हो जाएंगे, सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल्स, एंड लास्ट इज कॉल्ड हमारा कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथर ग्लैंड्स, कॉपर्स ग्लैंड्स और इसको बल्बो यूरेथर ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया मेल में। अगर हम ये हमारे क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, और अगर हम इन फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में एक फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, जिसमें हमारी फिम्ब्रियाई होती है, इस्थमस होता है, एम्पुला होता है, जो कि क्या करता है सिर्फ पैसेज का काम करता है, कैरी करने का काम करेगा, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद सर्विक्स हो गई, वजाइना हो गया, सर्विक्स, वेजाइना, एंड इसमें भी हमारे कौन से ग्लैंड्स आ जाते हैं, जो कि हमारे एक मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे इसमें आ जाएंगे, और एक बल्बो यूरेथल मैमिलियंस, उसमें जो हार्मोन होते हैं वो हमारे फीमेल में आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेन की तरह एक्ट करते हैं, ये अभी हमने देखा, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन देखा। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो एसेसरी हमारे सेक्स ऑर्गेन है, या फिर हमारे इसको क्या नाम दिया गया है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। एक्सटर्नल कैरेक्टर जो होते हैं वो हमारे फॉर्म होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी का टाइम आता है उस टाइम पे हमारे मैच्योर होते हैं, इन मेल में, इन मेल एंड इन फीमेल। तो जो मेल में होता है उसमें हमारे क्या होती है, पिच हाई हो जाती है, हाई वॉल्यूम जैसे जो होती है, या जो साउंड का जो प्रोडक्शन होता है वो उसकी जो पिच होती है वो कैसी होती है, हाई, ठीक है। जबकि जो फीमेल होती है, फीमेल में पिच कैसी होती है, लो पिच होती है। इसके बाद यहाँ पे जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉडर हो जाते हैं, ठीक है, मुस्टास आने लगती है, यहाँ पे एक्सटर्नल हेयर ग्रोथ हो जाती है, क्लियर, ब्रॉडर, ब्रॉड, ब्रॉडर लिख लो, ब्रॉडर, ठीक है, शोल्डर से यहाँ पे कैसे होंगे, यहाँ पे नैरो हो जाएंगे, नैरो शोल्डर, क्लियर। ये सब हमने यहाँ पे एसेसरी देखा, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्राइमरी देखा था, सेकेंडरी देखा था एंड एसेसरी देखा। प्राइमरी में हमने यहाँ पे देखा जो क्या करते हैं, विच प्रोड्यूस अ गैमेट, जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं इस कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन हमारे क्या होते हैं, जो एक पैसेज की तरह काम करते हैं, इन फीमेल में भी देखा हमने फैलोपियन ट्यूब हो गया, सर्विक्स हो गया, वजाइना, जो एक पैसेज की तरह काम करते हैं, जैसे स्पर्म को ले जाने का काम करेंगे, ठीक है। और स्पर्म को भी क्या होगा, जैसे अभी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो इस स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे पैसेज देख रहे हो, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, यहां से ऐसे होता हुआ ये पूरा जा रहा है, ये पैसेज है, और यूरेथ्रा के थ्रू यहां से ही सारा आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक पैसेज है, ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेन का एक पार्ट है, क्लियर। एसेसरी में हमने देख लिया एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम जो होता है कि उसमें हार्मोन जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। अब हम यहां पे देखते हैं, ये हमारा पेल्विक रीजन, हम बताया कि मेल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमारा पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्टली अपने स्ट्रक्चर से, ये हमारा स्ट्रक्चर है, पहले हम बेसिक सिर्फ इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, स्ट्रक्चर से स्टेप बाय स्टेप हम इसकी थ्योरी देखेंगे। बच्चे ये क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में कंसीडर होता है, लॉन्ग क्वेश्चन पर आता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी वन मार्क्स के लिए भी निकल सकती हैं, ठीक है, या फिर टू मार्क्स के भी क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए निकल सकते हैं। तो आप सिर्फ को आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इस डायग्राम को समझना है। अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया ना तो इसकी थ्योरी आपके लिए ज़्यादा बर्डन नहीं करेगी, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलो तो पहले इसको देख लेते हैं,
यहाँ पे फर्स्ट जो है टेस्टिस, अभी हमने पढ़ा टेस्टिस इज़ क्या होता है, हमारा एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है, उसके आउटर कवरिंग आप देख रहे हो इट इज कॉल्ड द स्क्रॉटम। अभी मैं आपको एक सारे पॉइंट्स बताऊंगी, अभी सिर्फ आप डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अभी इसके अंदर अभी हम बहुत थोड़ा डीप स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें हमारी क्या होती है 250 लोब्यूल्स होती हैं ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, ठीक है। 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी ऐसे करके ट्यूब बनती हैं, ठीक है। सारी जब ट्यूब बनती हैं उसमें हमारी क्या होती है, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं, वही हमारी मेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो वन मार्क्स का जो क्वेश्चन अराइज होता है वो यहीं से होता है कि मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है वो कौन से प्लेस से होता है, तो आपको बताना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्लियर। अब यहां से देखिए, यहां पे हमारी क्या होती है, एक वास इफ्रेंस होती है, वास इफ्रेंस से कनेक्ट हमारी एपिडाइडमिस होती है। एपिडाइडमिस हमारी एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, या आप बोल सकते हो कॉइल्ड इन नेचर में होता है, ठीक है, एपिडाइडमिस। देन आप देख रहे हो इससे यहां से ये अटैच होता हुआ ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है, दिस इज कॉल्ड द वास डिफरेंस। अब ये जो वास डिफरेंस जा रही है ये इस तरीके से यहां से ऐसे जा रही है, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से जा रही है, ये इसके क्या हो रही है, ये मतलब एक लूप बन रहा है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर के, ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जिसमें हमारा यूरिन जो होता है स्टोर होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन स्टोर होगा, अब आपको पता है उसमें कुछ इंस्पिस्टर मसल्स होती हैं, जब उसमें आपस में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तब वो यूरिन एक्सक्री आउट हो जाता है, ठीक है। बट उससे पहले यूरिन में स्टोर होता है, लेकिन इसी के पार ऊपर एक ओवर लूप बनता है, यहाँ पे एक ओवर लूप बना। अब आप ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द सेमिनल वेसिकल। ये क्या करती है, इट्स रिलीज द सीमेन, ये सीमेन रिलीज करेगी। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये एक अटैचमेंट एक पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हमारा ये जो एक अटैचमेंट का जो पॉइंट हो गया, ये वाला जो हमारा होता है आपस में इन दोनों को जो अटैच करता है, दिस इज कॉल्ड द इजेक्युलेटरी। ये क्या होता है हमारे यहाँ पे, इजेक्युलेटरी इजेक्युलेटरी डक्ट, क्लियर। इसके बाद अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट एक ट्यूब आ रही है, दिस इज कॉल्ड द जो अपर मोस्ट लेयर है, यानी ये वाला, ये जो हमारा ये जो एक मतलब बाई लूब्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड द प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे बच्चे हमारा क्या बना हुआ है, सर्कुलर फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉपस ग्लैंड, ठीक है। फिर यहाँ से ये कनेक्ट होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसके पीछे से होती हुई आ रही है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, विच कैरी द स्पर्म एज वेल एज यूरिन, क्लियर। यहां से ये यूरेथ्रा सा है, यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा की जब आप आउटर आप मेम्ब्रेन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द पेनिस, ये पेनिस है, और पेनिस का एंड पार्ट जो होता है वो हमारा ग्लांस पेनिस कहलाता है, और उसको फोरस्किन और प्रोप्यूज भी कहते हैं। अभी हमने आप स्टेप बाय स्टेप अपना डायग्राम देखा कि किस तरीके से कैसे कैसे ये पैसेज के थ्रू जाएगा और कौन कौन अभी से यहाँ पे क्या क्या करने वाला है, हम उसको डीप में पढ़ते हैं। तो फर्स्टली जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमारा टेस्टिस, टेस्टिस कैसा होता है, टेस्टिस इज अ बाइलोबिन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओवल इन शेप में होता है, कैसा होता है, ओवल इन शेप। इसकी जो लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ जो होती है इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर, क्लियर। इसके बाद ईच टेस्टिस इज सराउंडेड बाय द मैम्ब्रेन्स, कुछ मैम्ब्रेन्स के मतलब इसकी सराउंडेड बाय होती है यहाँ पे टेस्टिस में, ठीक है। सराउंडेड बाय मैम्ब्रेन्स, अब ये जो मैम्ब्रेन्स होती है इज ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसोडर्मल ओरिजिन, इसकी जो ओरिजिन होती है वो कहाँ से होती है, मेसोडर्मल। अब मेसोडर्मल क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारी ओरिजिन्स पढ़ी हैं या फिर जब आप देखते हो मेसोडर्मल, जब आप एम्ब्रियोजेनेसिस देखते हो तो एम्ब्रियोजेनेसिस में आप यहाँ पे देखते हो कि कुछ हमारी स्टेम सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन को जनरेट करती हैं, लेकिन हर एक ऑर्गन अपनी एक न्यू एक कुछ लेयर्स होती हैं उनके थ्रू फॉर्म होता है, ठीक है। कोई एक्रोडर्म से फॉर्म होता है, कोई मेसोडर्म से फॉर्म होता है, कोई हमारा एंडोडर्म से फॉर्म होता है। तो ये मेसोडर्मल ओरिजिन हो गई, इसमें हमारा क्या होता है, एक आउटर रीजन होता है, मतलब एक आउटर साइड ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का जो आउट, जैसे सपोज ये टेस्टिस है तो जो टेस्टिस की जो बाहर वाली इस साइड वाली जो मैम्ब्रेन है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस,
ठीक है। अब इसके जो इनसाइड ऑफ द मैम्ब्रेन, ये वाली जो इनसाइड ऑफ द मैम्ब्रेन है, इट इज अ मेड अप ऑफ द फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, इट इज कॉल्ड द ट्यूनिका फाइब्रोसा। क्लियर, ये दोनों मैम्ब्रेन के नाम हैं। ये आप थोड़ा एमसीक्यू पे ध्यान रखिएगा कि जो हमारी टेस्टीज होती है, इस जो इसके जो सराउंडेड मैम्ब्रेन होती है, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, ठीक है। उसके बाद जो उसकी आउटर साइड मैम्ब्रेन होती है, इट्स कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनेलिस, वेयर इज जो इनसाइड मैम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा। क्लियर, अब यहाँ पे हम इसमें ये देखते हैं कि जो हमारी टेस्टीज होती है, इसमें हमारे 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। सपोज ये इस तरीके से हमारी ये बाइलूप स्ट्रक्चर हो गई, और यहाँ पे क्या हो गए, इस तरीके से 250 कंपार्टमेंट हो गए। तो ये 250 कंपार्टमेंट जो होता है कंटेन अ 1, 2, 3 लूप्स, ये 3 लूप्स कंटेन करके रखता है। लूप्स इन द सेंस, जैसे सपोज एक ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से लूप हो गया, ठीक है, दूसरा ये वाला लूप हो गया, और तीसरा यहाँ पे ये वाला लूप हो गया। इस लूप में बहुत सारी क्या होती हैं अपनी अलग अलग, ऐसे करके 1, 2, 3, ये 3 लूप हो गए, ठीक है, 1, 2, 3 लूप्स हो गए। दिस इज कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनका नाम क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं, ये क्या कंटेन करके रखती हैं, इसमें हमारी मतलब कंटेन होती है, ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, एंड वेयर इज द फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म। अभी मैंने जब आपको स्ट्रक्चर बताया था, तभी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि कहाँ पे कौन से ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होता है ऑफ द स्पर्म का, तो उसका नाम क्या होता है, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आपको एक पिक्चर शो हो रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, इसमें अभी आप यहाँ पे देख रहे हो टाइप ऑफ सेल, यहाँ पे हमारी 2 टाइप ऑफ सेल होती हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी, एक इनसाइड होती है, एक हमारी आउटसाइड होती है। तो इनसाइड वाले रीजन में अभी आप देख रहे हो यहाँ पे सर्टोली सेल प्रेजेंट है, क्लियर, और जो आउटसाइड वाला रीजन है उसमें हमारी लाइडिक सेल प्रेजेंट है। सेम एज जो इनसाइड में है बच्चे, वो हमारा स्पर्मेटोजोआ है, और उसके बाहर की साइड जो है वो हमारा स्पर्मेटोगोनिया। तो ये जो आपको पिक्चर है या फिर ये जो डायग्राम है, ये कई बार किस तरीके से पुटअप है, कई बार आपको ABCD करके लेबलिंग दे दी जाएगी, जिसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि सपोज अगर इनसाइड जो है हमारी सर्टोली सेल, उस पर बी दे दी ऑप्शन, या फिर जो हमारा स्पर्मेटोजोआ है जो इनसाइड है उस पर डी दे दिया, और ए लाइडिक सेल पे दे दिया, इस तरीके से आपको लेबलिंग देगा, तो आपको उसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा इनसाइड होता है, कौन सा आउटसाइड होता है। क्लियर, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है वो इनसाइड में हमारी कौन सी सेल है, अभी हमने देख लिया सर्टोली सेल, और जो आउटसाइड वाले रीजन में वो हमारी क्या है, लाइडिक सेल। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं वो देखते हैं हम। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अगर हम इनसाइड की बात करते हैं, इनसाइड, ये भी आपको याद कैसे रहेगा कि इनसाइड वाले रीजन में हमारी सर्टोली सेल होती हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ, सर्टोली सेल, और यहाँ पे हो गया हमारा मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल इज प्रोड्यूस अ स्पर्म, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, प्रोड्यूस स्पर्म। वेयर एज सर्टोली सेल क्या करेगी, इट्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, ठीक है। अब इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड वाले रीजन में देखिए क्या होता है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का आउटसाइड वाला रीजन है, आउटसाइड वाले रीजन में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, एक ब्लड वेसल्स, और कुछ हमारे यहाँ पे क्या होती हैं, लाइडिक सेल्स, लाइडिक्स सेल्स। इस लाइडिक सेल्स को और भी क्या कहते हैं, इंट्रस्टियल सेल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंट्रस्टियल सेल्स, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स एज अ ब्लड वेसल की तरह एक्टिंग करेंगी, ये क्या होंगे हमारी लाइडिक सेल्स, इट्स प्रोवाइड द हार्मोन, ये हमारा एक एंड्रोजन हार्मोन होता है वो प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, या इट्स सीक्रेट अ, इट
सीक्रेट्स अ हार्मोन एंड्रोजन. एंड्रोजन हार्मोन होता है, वो सीक्रेट करती हैं ये, ठीक है, जो बाइंडिंग करने में हेल्प करता है. ये अभी आपने देखा और मैंने अभी आपको बताया कि आपको ये कैसे ध्यान रहेगा. देखिए ये आप देखना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्टोली सेल पढ़ रहे हैं और हमें कैसे याद रहेगा, आई एस आई. एस आई क्या होता है, सब इंस्पेक्टर होता है. तो एस से आप याद रखना सर्टोली सेल और आई से याद रखना इनसाइड. किस सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल में सर्टोली सेल की लोकेशन या पोजिशन कहाँ पर होगी, इनसाइड रीजन में होगी. तो बाकी जो हमारा बच्चा वो क्या है, एल लाइटिक सेल है या इंटरस्टियल सेल है, उसकी पोजीशन कहाँ होगी, ओ आई मतलब आउटसाइड वाले. ओ आई क्यों बोला मैंने, ओ मतलब आउटसाइड और आई मतलब इंटरस्टियल सेल, ठीक है, उसका सेकेंड नेम है. फंक्शन पूछ लेता है एंड साथ साथ इसकी लोकेशन पूछ लेता है. तो लोकेशन भी मैंने क्लियर कर दी, यहाँ पे इनसाइड वाले रीजन में होगी सर्टोली की, लाइटिक वाली होगी आउटसाइड. फंक्शन मैंने भी आपको क्लियर कर लिया. ये दो नंबर का डिफरेंस पूछा जा गया है कई बार, क्लियर. यहाँ पे अभी हमने क्या फिनिश किया, अपना टेस्टीज देखा. अब ये टेस्टीज हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारी हमारी क्या है, 250 कंपार्टमेंट है. उसके बाद 253 कंपार्टमेंट कंटेन टू 1-3 लोब्यूल्स, इस कॉल इज अ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. अब ये सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमारे सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स होते हैं. यहाँ पे आके जब ऑल सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स, आप मेरे पॉइंट को देखिए मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, ऑल सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स आर कलेक्ट एट अ विच पॉइंट, इट्स कॉल्ड अ रेटिटी टेस्टीज. इसका नाम क्या होता है, रेटिटी टेस्टीज, ठीक है. रेटिटी टेस्टीज पे सारे जितने भी हमारे लोब्यूल्स होते हैं वो आकर क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है. इसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे, अब हम यहाँ पे रेटिटी टेस्टीज देखते हैं, देन वास इफरेंस देखते हैं. रेटिटी टेस्टीज इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है कि ऑल सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स आर कलेक्ट विच पॉइंट, ऑल सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स कलेक्ट एट विच पॉइंट, इट्स कॉल्ड रेटिटी टेस्टीज, ठीक है. अब रेटिटी टेस्टीज क्या होती है, यहाँ पे एक कुछ सीलिएटेड लेयर्स होती है या मैम्ब्रेन होती है. क्या होगी यहाँ पे कि रेटिटी टेस्टीज हैव अ सीलिएटेड मैम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड अ वास इफरेंस. क्या होती है यहाँ पे हमारी, सीलिएटेड मैम्ब्रेन होती है, सीलिएटेड मैम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड अ वास इफरेंस. आपको पता है वास इफरेंस जो है हम यहाँ पे, ये हमारी सीलिएटेड क्यों है, वास इफरेंस हमारा सीलिएटेड इसलिए है क्योंकि अभी जो फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म हुआ है वो हमारा किस तरीके से अब मोबाइल आएगा, मोबाइल इन द सेंस उसमें मूवेबिलिटी आएगी, मोटिलिटी आएगी, तो वो किसके थ्रू आएगी, वास इफरेंस में, क्लियर. अब हम यहाँ पे देखेंगे अपना पहले एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस देखते हैं. अब एपिडाइडमिस हमारा क्या होता है, एपिडाइडमिस हमारा थ्री रीजन में डिवाइड होता है. एपिडाइडमिस थ्री रीजन में डिवाइड होता है. फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा हेड, सेकेंड वन जो होता है वो होती है हमारे यहाँ पे बॉडी, एंड थर्ड वन जो होता है वो होती है हमारे यहाँ पे टेल, ठीक है. तो मैं इसमें अभी आपको यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, उसकी जो नेमिंग है वो पूछ ली जाती है. ये मैंने अभी आपको बताया उधर एपिडाइडमिस जो है, ये है या हमारा कैसा है, कॉइल है, हाईली कॉइल स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो हेड को जो बोलते हैं वो बोलते हैं हमारे यहाँ पे कैपिट एपिडाइडमिस, सेकेंड वन इज कॉर्पस एपिडाइडमिस एंड लास्ट वन इज कॉर्डल एपिडाइडमिस, ठीक है. जिसमें कि आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो हमारा हेड वाला रीजन है इट्स कॉल्ड कॉपर, ठीक है, जो कि हमारा थोड़ा सा कैसा होगा, कॉइडली होगा, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, जो कि अब सेंटर में होगा बॉडी में, कॉर्पस एपिडाइडमिस नॉर्मल होगा. उसके बाद जो टेल होगा कॉर्डल, वो थोड़ा सा कम अभी यहाँ पे क्या होगा, हाईली कॉइल्ड वाला होगा, या आपको बोल सकते हो उसको लेस हाईली कॉइल्ड या लेस कॉइल्ड, ठीक है. ये कैसा होगा यहाँ पे, लेस कॉइल्ड होगा, लेस कॉइल्ड इन नेचर, ठीक है.
यहां से सिर्फ क्या है, अभी देखा सीलिएटेड, सीलिएटेड ने उसको यहां पे क्या दे दिया, एक मूवेबिलिटी दे दी, और कॉइल्ड, जब ये वाला एपिडाइडमिस वाला स्ट्रक्चर हमारा कॉइल्ड आ गया इस तरीके से, सपोज ऐसे, ठीक है, ये वाला रीजन हमारा हाईली कॉइल्ड हो गया, यहां से थोड़ा थोड़ा स्लो 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 में आया, मतलब लेस, थोड़ी कम कम है कंपेरिजन टू अबव रीजन के, और बिलो वाले रीजन में तो बहुत ही ज्यादा माइनर हमारा कॉइल्ड नेचर है, ठीक है। अब बच्चे यहां से होते हुए हमारा ये जो है वास डिफरेंस यहां पे क्या होगा, इज अ ट्यूब होती है विच कैरी द स्पर्म, जो कि क्या करेगी, स्पर्म को कैरी करके रखेगी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमारा वास डिफरेंस, जो वास डिफरेंस होगा वो क्या करेगा, कैरी द वास कैरी करके रखेगा, ये हमारा एक ट्यूब होता है, आप बोलोगे इट इज अ लूप या ट्यूब, ठीक है, इट्स अ, आप इसको यहां पे लूप बोलिए पहले, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, जैसे आप अभी आपको ये दिख रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, विच कैरी द स्पर्म, विच कैरी स्पर्म एज वेल एज, मतलब उसको मोटिलिटी भी दे रहा है, स्पर्म भी दे रहा है, ठीक है, यहां से जाकर उसको क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा विद अ समाइनल वेसिकल से, ठीक है। अब यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, समाइनल वेसिकल आ जाएगा, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बोयूरेथर ग्लैंड्स, दीज आर कॉल्ड ग्लैंड्स, ये हमारे ग्लैंड्स हैं, इनको अभी हम देखते हैं। उससे पहले अभी हम यहाँ पे एक अपना जो पैसेज है, इस पैसेज को फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे तीन टाइप ऑफ ही ग्लैंड्स हैं जो हम देख रहे हैं, प्रोस्टेट है, समाइनल है और बल्बोयूरेथर और कॉपस है, इसी को यहाँ पे क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन देगा, तो उसको अभी हम अलग से देखते हैं। इसमें अभी हम देखते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या है, हमारा एक पैसेज है, यूरेथ्रा क्या है, एक पैसेज है विच कैरी द यूरिन, ये यूरिन भी कैरी करेगा, विच कैरी यूरिन एज वेल एज स्पर्म, स्पर्म भी कैरी करेगा एंड यूरिन भी करेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे ये पेनिस हो गया, दिस इज कॉल्ड द पेनिस। अब पेनिस इज अ मेडअप ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज, ये क्या होती है, पेनिस जो होती है एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बनी हुई होती है, यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, थ्री स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, थ्री कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ पे टू तो क्या होते हैं, डॉर्सो लेटरली, वेयर एज वन जो होता है हमारा वो मिड वेंट्रली होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पे डॉर्सो लैटरली, और ये हो गया हमारा मिड वेंट्रली, ये क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बने हुए होते हैं। इसमें अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इसकी स्किन है, यहाँ पे हमारी क्या होगी, ये ग्लांस पैनिस होगी और फॉर स्किन है, क्लियर। अब ये हमारी क्या होती है, कॉर्पोरा से बनी हुई होती है, कॉर्पोरा स्पॉन्जोसियम से होती है, ठीक है। और इसमें अब इसका पैसेज देख लेते हैं, अच्छा एक सेकेंड, ये जो हमारी ये थी डॉर्सोलैटरली एंड सेकेंड जो थी हमारी मिड वेंट्रल, कभी कभी यहाँ पे एमसीक्यू पे इसका नाम पूछ लेते हैं, जो मिड वेंट्रल का जो नाम है वो क्या है हमारा, कॉर्पस स्पॉन्जोसियम, एंड यहाँ पे इसका जो नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। ये नाम आप ध्यान रखना, ये सिर्फ किसके नेम है, ये टू डॉर्सो लेटरली जो है पेनिस की स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू की बनी हुई है, जबकि मड जो कि मिड वेंट्रली है वो हमारे कॉर्पस स्पॉन्जोसम है, क्लियर। अब हम इसमें अब हमारा देखते हैं ग्लैंड, जिसमें फर्स्ट जो हमारा ग्लैंड आता है वो आता है हमारा समाइनल वेसिकल। जो समाइनल वेसिकल है ये क्या करता है, इट सीक्रेट अ समाइना, ये हमारी एक समाइनल वेसिकल्स, मतलब इट सीक्रेट्स अ सीमेन आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या सीक्रेट करता है, सीमेन, ये जो सीक्रेट करेगा 60% ऑफ सीमेन सीक्रेट करता है, जबकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है वो 20-25% सीक्रेट करता है, तो आप इसमें बोल सकते हो कि इट सीक्रेट 60% ऑफ सीमेन, 60% ऑफ सीमेन, ठीक है। सेकेंड वन इज कैसी होती है, ये आपकी
बायलूब होगी, मतलब टू फॉर्म में होती है, जबकि जो हमारी जो बल्बो पोस्टर ग्लैंड जो होती है वो हमारी सिंगल होती है, सिंगल होगी लेकिन कवर्ड होगी किसके, यूरिनरी ब्लैडर के, ठीक है। बट जो कॉपर्स ग्लैंड है या बल्बो यूरिथल है वो टू इन पेयर्स में होती है। तो सेम एज हमारा समान वेसिकल्स भी हमारी टू होती है, और इट सीक्रेट ऑफ फ्रुक्टोज, ये फ्रुक्टोज सीक्रेट करती है, फ्रुक्टोज करेगी एंड सम हार्मोन सीक्रेट करेगी, हार्मोन, और हार्मोन कौन सा होगा, प्रोस्टेग्लैंडिंस, ठीक है। एंड लास्ट वन ये जो करती है एज अ कोगुलेट प्रोटीन, कोगुलेट प्रोटीन, ये थ्री टाइप ऑफ दिस एंजाइम सीक्रेट बाय समाइनल वेसिकल। फ्रुक्टोज क्या करता है, फ्रुक्टोज इट्स प्रोवाइड द इनहेंस करता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि इट्स प्रोवाइड द इनरिचमेंट्स ऑफ द न्यूट्रिशंस ऑफ द स्पर्म, उसको न्यूट्रिशंस देता है किसको, स्पर्म को, ठीक है। एंड इट्स मेंटेन द मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है उसको भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सेकेंड वन हार्मोन प्रोस्टेग्लैंडिंस क्या करता है, इट्स कॉन्ट्रैक्ट द यूट्राइन, जो यूट्रस होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है, या कॉन्ट्राइन में उसको हेल्प करता है, जिससे क्या हो ईजीली से एंट्री हो जाए ऑफ द स्पर्म की इनटू द जो ओवरी डक या ओविडक वाला रीजन है, उस वाले रीजन में वो कौन करता है, प्रोस्टेग्लैंडिंस हेल्प करता है। कोगुलेट प्रोटीन सीमेन को कोगुलेट करने के काम आता है, क्लियर। ये हमने समाइनल वेसिकल पढ़ा, अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या होता है, अभी देख रहे थे कि हम ये इन वन इन नंबर में होता है, लार्ज ग्लैंड होती है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड वन इन नंबर एंड इट इज़ अ लार्ज इन ग्लैंड्स, इट्स अ लार्ज इन ग्लैंड्स, ये लार्ज ग्लैंड्स होती है, एंड इट इज़ अ ओवर या अराउंडेड बाय द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड होती है, ठीक है। इसके बाद ये क्या सीक्रेट करेगी, यहाँ पे ये कुछ हमारे एंजाइम सीक्रेट करती है, क्या करती है, कुछ एंजाइम सीक्रेट करती है, जैसे एज अ एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज, पेप्टेज, ये कुछ एंजाइम होते हैं जो भी किसी भी जो केमिकल रिएक्शंस होती है या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें हेल्प करती है, एज वेल एज सीक्रेटेड बाय द, इसमें यहाँ पे कुछ हमारी क्या होती हैं, कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। एंड प्रोटीन, एंड लास्ट आता है हमारा यहाँ पे एक कॉपर्स ग्लैंड, या आप उसको बोलते हो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, अच्छा ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो हमारा यूरेथ्रल वाले पैसेज से कनेक्ट है, आप ये डायग्राम से देख रहे हो, जबकि जो हमारा समाइनल वेसिकल वाला है वो हमारा कनेक्ट किससे है, विद अ वास डिफरेंस से एंड इजेक्युलेटरी डक्ट से। तो इजेक्युलेटरी डक्ट में आप ये बोल सकते हो कि इजेक्युलेटरी डक्ट इज अ मतलब कनेक्ट करके रखती है एज अ किसको, ये जो समाइनल वेसिकल से अटैचमेंट से बिटवीन द किसके बीच में, वास डिफरेंस के बीच में एंड इजेक्युलेटरी डक्ट के बीच में, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स लास्ट ग्लैंड्स होता है इसमें आपका, इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, एंड इट सीक्रेट अ, ये कैल्शियम आयन को सीक्रेट करती है, इट सीक्रेट अ कैल्शियम आयन को सीक्रेट करेगी एज वेल एज सम प्रोटीन सीक्रेट करेगी, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन जो होता है, इट्स हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराती है जिससे स्पर्म इजीली से मूव कर जाए, मतलब इस वाले रीजन से होते हुए यूरेथ्रा के थ्रू आने से यहाँ से मूव कर जाए। अच्छा एक बात और यहाँ पे, ये जो हमारा जब समाइनल वेसिकल रिलीज होता है, तो समाइनल वेसिकल जब सीमेन रिलीज करता है, तो सीमेन रिलीज होने से पहले यहाँ पे कुछ एक मतलब एक ऐसा अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन नेचर का क्यों होता है, क्योंकि सपोज अगर ये मैंने अभी आपको बोला यूरेथ्रा एक पैसेज है जहाँ से यूरिन भी पास आउट हो रहा है और जहाँ से हमारा क्या हो रहा है, स्पर्म भी पास आउट हो रहा है। तो जब यूरिन पास आउट हो रहा है तो ये वाला जो सारा पैसेज यूरेथ्रा वाला पैसेज है, ये क्या कर देता है, एसिडिक मीडियम का बना देता है। और अगर एसिडिक मीडियम का बना देगा और समाइनल वेसिकल अगर सपोज सीमेन रिलीज ना करे तो क्या होगा, तो ये वाला मीडियम एसिडिक बना ही रहेगा, जिससे जो सारे जब स्पर्म का इजेकुलेशन होगा तो स्पर्म एसिडिक नेचर में आते ही कैसे हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, वो कैपेबल नहीं होंगे टू फर्टाइल करने के लिए। तो इसीलिए एक जो सीमेन रिलीज होता है जो कि हमारा एल्कलाइन इन नेचर में होता है। अभी हमने यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देख लिया, सेकेंडरी देख लिया, एसेसरी कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देख लिए, उसके बाद हमने यहाँ पे पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो सिस्टम है उसका एक पूरा हमने यहाँ पे डायग्राम देखा, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा, ऑर्गेन भी समझे, ऑर्गेन के फंक्शन भी समझे, उनकी लोकेशन भी समझी, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, कुछ ग्लैंड्स भी देखे,
थ्री टाइप के ग्लैंड से फर्स्ट सेमिनल वेसिकल था जो किस नेचर में था और क्या रिलीज कर रहा था हमने ये भी देखा, किसमें हेल्प कर रहा था। सेकेंड वन हमने यहाँ पे देखा अपना प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड अदर हमने यहाँ पे देखा अपना बल्बो यूरेथल और कॉपर्स ग्लैंड। क्लियर? यहाँ पे अभी सिर्फ हमने ये बताया कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है वो अब रेडी हो चुका है एक पैसेज से होकर जाने के लिए। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपना फीमेल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एग किस तरीके से मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। बट अभी आप एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पे अभी हमने स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं देखी, हमने अभी स्पर्म नहीं देखा, अभी हमने सिर्फ ये बता दिया कि इस प्लेस पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बट किन सेल से होता है, कौन सा डिवीजन उसमें कॉज्ड होता है वो भी हमने नहीं देखा, वो हम फुली किस में देखेंगे, अपना गैमेटोजेनेसिस में। ठीक है, तो वो हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।